दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। देखो, मैं आज आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो उसका पूरा जितना भी है सब लिख दिया हूँ, तो एक एक करके मैं टॉपिक आपको समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग का क्या है, चैप्टर ही पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो आपको ये चैप्टर सुन के ही पता चले पैरेलल लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइन क्या होता है। तो कोई भी द लाइन इज द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। मीन्स आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी दो लाइन स्ट्रेट में घिंचा रहे, कहीं पर भी घिंचा रहे, बट वे आपस में कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए। जितना डिस्टेंस स्टार्टिंग में यहाँ से है, वही यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ से यहाँ। मीन्स पैरेलल लाइन का मीनिंग ही होता है कि वे आपस में एक दूसरे में टच नहीं हो, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जैसे कि लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइन है, हमारा एल और एम हमारा दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो पैरेलल का भी कुछ सिंबल होता है। तो देखो, यल है, यल एंड लाइन एम मीन्स हमारा जो लाइन यल है पैरेलल है लाइन किसके, एम के, लाइन एम के। तो हमारे जो दो लाइन खींचा हो ना, मीन्स ऐसा है, ये हमारा क्या है, पैरेलल का सिंबल है। तो आपको क्या है, पैरेलल लाइन क्या होता है, क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अब ऐसे दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जैसे मैं आपको देखो डेफिनेशन सब लिख दिया हूँ। तो हमारा ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन को, कोई भी लाइन को क्या करता है कि इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन को काट देता है। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। देखो डेफिनेशन में, इफ अ लाइन ट्रांसवर्सल गिवन टू लाइन को, हम लोग को क्या करता है, पॉइंट द विच लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो आपको मैं जो बोला वही है कि मीन्स हमारे जो दो लाइन है उसको एक लाइन क्या करती, इंटरसेक्ट करती, मीन्स काट देती है, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इसे देखो तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग का है एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। हम लोग का एक जो ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल बनता है, तो कितना एंगल बनता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 8 एंगल्स बनते हैं। किससे, कोई भी पैरेलल लाइन मीन्स दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट देती, तो कितने एंगल बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8 एंगल बनते हैं। तो अभी देखो कौन कौन से एंगल, तो देखो दो लाइन था उसको एक लाइन क्या किया, ट्रांसवर्सल कर दी, काट दी, तो 1 एंगल 2 3 4, दूसरे में 1 2 3 4, चार चार मीन्स 8 एंगल बनते हैं। आपको ओरल में कोई भी सर टीचर पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग को कोई भी दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट देती कितने एंगल बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8 एंगल्स बनते हैं। अब इसके बाद वाला हम लोग का पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इफ द आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स हम लोग को जो दो एंगल है, दो लाइन है, वे दोनों को जो ट्रांसवर्सल लाइन करती है, मीन्स इस लाइन का इस साइड है तो इस लाइन का भी इसी साइड होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो जैसे देखो एग्जाम्पल में आपको मैं जो है चारों लिख के दिया, कैसे कि अगर हम लोग का ये दो लाइन है इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट देती, तो इस फर्स्ट वाले लाइन का ए एंगल है AMP, देखो हम लोग को क्या है AMP, तो इसका क्या होगा, दूसरा हम लोग का MNR, मीन्स ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा AMP में MNR मीन्स ऊपर वाले लाइन का इस साइड का भागा है, तो मीन्स नीचे वाले लाइन का भी इसी साइड का भागा है होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ऐसे दूसरा है PMN, PMN ए है, मीन्स ए लाइन को जो फर्स्ट वाला उसके इस साइड का और इस लाइन के इस साइड का आर एन टी होगा। तीसरा हम लोग को AMQ ऊपर वाले लाइन का उस साइड का और इस साइड का ए होगा। कैसे होगा, देखो AMQ का MNS मीन्स MNS। ऐसे हम लोग का फोर्थ में क्या दिया, QMN मीन्स इस साइड हुआ है, तो इस साइड वाले में इस साइड होगा, SNT। तो आपको करस्पॉन्डिंग समझ में आया, मीन्स जो भी चीज रहेगा, मीन्स दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काट रही है, तो आपको पता है 8 एंगल बनते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो मीन्स ऊपर वाले लाइन का जिस साइड का एंगल रहेगा वही नीचे वाले लाइन का भी उसी साइड का एंगल बनता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आया। ये सब मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा प्रैक्टिस सेट 2.1
आएगा, तो जिसमें आपका ये सब डिटेल में एकदम क्लियर, एकदम छोटा एक्सरसाइज हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है और सब इसी के बेस पे। इसके लिए इसको मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अब इसके बाद हम लोग का क्या इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल को आप बोल सकते हो देखो अ पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इन साइड The given line is called a pairs of interior angle. Interior angle means जो same side होगा, means क्या होगा, same side होगा but inside means अंदर जो angle बनेंगे उसे हम लोग कौन सा angle बोलेंगे, interior angle। जैसे देखिए देखो PMN, PMN A angle के अंदर बन रहा है, देखो ये दो line है, ये बाहर होगा ये बाहर होगा, इसके बीच में दोनों line के बीच में जो angle बनता है PMN, PMN, दूसरा एंगल कौन सा है उसका MNR, MNR means MNR means आपको ये पता होना चाहिए अगर इस साइड का ए हो रहा है तो इस साइड का भी यही होगा, अंदर का ही होगा और सेम साइड का होगा, उसे हम लोग कौन सा बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। अब दूसरा देखो QMN, QMN हो रहा है मीन्स ए साइड हो रहा है, MNS, MNS आपको इतना तो पता है एंगल में, अगर आपको जो बीच वाला होता है वही आपका एंगल होता है, तो मीन्स यम आ रहा है तो यन आ रहा है, यम आ रहा है तो यन आ रहा है, वही देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है वे भी आपको क्लियर कंप्लीट हो गया रहेगा, समझ में आ रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या है अल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होंगे एंड देयर आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल सो अपोजिट डायरेक्शन इज अ कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, जो अपोजिट साइड रहेंगे उसके डायरेक्शन उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में दो चीज देखो लिखा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है तो ये देखो लिखा इनर साइड ऑफ लाइन, जो लाइन होगा उसको इनर साइड होगा, जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट में आउटर साइड ऑफ लाइन, मींस आउटर बोले तो बाहर, इनर बोले तो अंदर। तो अभी इंटीरियर अल्टरनेट ही पढ़ रहे हो, इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अल्टरनेट में, बट दोनों चीज इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर में आपको क्या बोला अंदर, एक्सटीरियर बोले तो बाहर। तो अभी देखो इनर में क्या बने पीएमएन, PMN, बट देखो हम लोग को एक्सटीरियर क्या पढ़ रहे अल्टरनेट एंगल बोल रहे, तो अपोजिट साइड आपको इधर बोल ही दिया अपोजिट साइड, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड, बट अगर इंटीरियर है तो अंदर का, एक्सटीरियर है तो बाहर का। तो अभी देखो PMN, PMN, तो अब दूसरा का क्या बनेगा MNS, मींस MNS इस साइड बना तो इस साइड बनेगा, बन गया दूसरा का QMN, QMN मींस इस साइड का बना, इस साइड का क्या बनेगा RNM, RNM मींस अंदर का ही बनेगा, इनर ही बनेगा, बट हम लोग को क्या बोला, हम लोग क्या पढ़ रहे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का ही मतलब होता है अपोजिट, इस साइड है तो उसका ए आएगा, इस साइड है तो ए आएगा, आपको समझ में आ रहेगा। अब इसके बाद एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में क्या होता है कि हम लोग का आउटर साइड ऑफ लाइन बट अपोजिट, जैसे कि AMP, AMP बाहर का ये बना है तो अब दूसरे का क्या बनेगा TNS, TNS means A बना है तो A होना चाहिए, A बनेगा A, कैसे देखो दूसरा AMQ, AMQ तो दूसरा हम लोग का क्या बना RNT, RNT। तो आपको क्लियर देखो जितना भी था मैं सब समझा दिया आपको, खाली इसमें कंफ्यूज मत होना इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपको एक बार फटाफट मैं क्लियर सब समझा देता हूँ। देखो आपको क्या बताया मैं पैरेलल लाइन क्या होता है, तो पैरेलल लाइन वे चीज होता है जो आपस में कितनी भी दूर की लाइन हो वे टच ना हो उसे हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं पैरेलल लाइन बोलते हैं। उस पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या होता है आकर काट देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अब उसके बाद हम लोग को उस ट्रांसवर्सल से कितने एंगल बनते हैं तो 8 एंगल बनते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है कि मींस सेम साइड, अगर ऊपर वाले लाइन का इस साइड का है तो नीचे वाले का भी उसी साइड, इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर इनर आउटर से मतलब नहीं है, खाली इस साइड का है तो इस साइड का ही होना चाहिए, तो इस लाइन का भी इसी साइड का होना चाहिए, इस लाइन का इस साइड का, इस लाइन का भी इसी साइड का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपका होगा इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर का एंगल होता है, जैसे आपको पता है पीएमएन, पीएमएन तो इस साइड है तो यही साइड होना चाहिए,
इस साइड है तो यही साइड होना चाहिए। अब आपको अल्टरनेट एंगल बोला, अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड, बट अपोजिट साइड में दो होता है, एक तो बाहर का होगा एक अंदर का होगा, लेकिन वो क्या होगा अपोजिट, इस साइड का है तो इस साइड का है तो इस साइड। देखो मैं इधर लिख दिया हूं इनर में, आउटर में अगर इस साइड का है तो इस साइड का है इस साइड। देखो पूरा जितना भी हम लोग का पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल था वे आपको क्लियर समझा दिया हूं, और इसको आप जितनी बार हो सकता है ना उतनी बार प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी इसको आराम से आप क्लियर देख के पढ़ोगे तो आपको क्लियर सब समझ में आ जाएगा। तो इसको कर लीजिए, और इस चैनल पे अगर नया आए रहोगे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इसी हिसाब से आपका जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है जो भी सिलेबस है सब मैं कंप्लीट कराऊंगा, 100% करा दूंगा। इसके लिए अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो इसको कर लीजिए।